यह जो प्रेसवार्ता आज बुलाई गई है वह उन्नाव नगर और आसपास के पूरे उन्नाव जनपद में मीडिया के माध्यम से भी सूचना पहुंच जाए कि एक बहुत बड़ी विशाल रैली जो यहां पर होने वाली है उन्नाव में, उसमें लगभग 1 लाख लोग आने वाले हैं, तो यह सूचना देने की दृष्टि से भी और आपके संज्ञान में लाने की दृष्टि से भी प्रेस वार्ता बुलाई गई है। क्या कार्यक्रम का टाइमिंग क्या रखी गई, कितने लोग रहे? माननीय अमित शाह जी यहाँ पर लगभग 4:15 बजे मंच पर आ जाएंगे और उससे पहले ही हमारी जो संख्या आने वाली है, जो हमारे माध्यम से संख्या आने वाली है, उससे पहले ही आ जाएगी और आम जनमानस जो आने वाला है वो भी उससे पहले ही यहाँ पर उपस्थित हो जाएगा। सर, कोविड को लेकर क्या गाइडलाइंस? कोविड की गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा गया है और हमारे जो 8 ब्लॉक सामने बने हैं सभी ब्लॉक में सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था की गई है। हर बार इस बात को कहता हूँ कि जैसा वक्ता या जैसा नेता वैसे ही श्रोता और वैसे ही लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। अभी पिछले दिनों उन्नाव में ठाकुर देवकी नंदन जी की कथा थी और मैं कहता हूँ कि उस समय और आज के इस वातावरण में अखिलेश जी की रैली के पहले आप किसी को भी फ़ोन करिए तो वो राधे ही राधे कर रहा था। अभी मुख्तार अंसारी जी की आप सभा कराइए उन्नाव में तो सारे गुंडे माफिया उनको सुनने के लिए आएंगे। तो अखिलेश जी के बारे में सब जानते हैं, वो टोटी वाला मामला क्या था आप लोग भली भांति जानते हैं। तो उनकी इस प्रेरणा से प्रेरित होकर तमाम उस प्रकार के लोग अपना हुनर दिखाने के लिए वहाँ पहुँच गए, साथ ही साथ उनकी दिहाड़ी भी ना मिले इसलिए देख जो जगह उन्होंने हाथ साफ कर लिए। अभी मैंने कुछ पत्रकार भाइयों से वार्ता भी की तो उन्होंने स्वयं बताया कि किसी का मोबाइल की लोकेशन अखिलेश जी के रथ के साथ आज भी दिखाई दे रही, किसी की लोकेशन मैनपुरी में दिखाई दे रही, किसी की लोकेशन इटावा में दिखाई दे रही। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि हो सकता है कुछ लोग अखिलेश जी की रैली में आए हों, उनके रथ यात्रा के साथ कहीं छूट ना गए हों उन्नाव में, तो कल आप लोग भी सतर्क रहिएगा, इतना मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ। आप पत्रकार हैं, स्वयं जागृत लोग हैं, कितना हास्यास्पद बयान है। योगी जी पिछले 5 साल से यही कर रहे हैं। दुर्घटना बीमा है क्या? किसान दुर्घटना बीमा यही है कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना में हुए किसान की मृत्यु या आम आदमी की मृत्यु में हम 5 लाख रुपया देंगे, उसमें सांड से भी ख़त्म कोई हो जाए दुर्घटना से तो भी मिलेगा, सांप के काटने से ख़त्म हो जाए तो मिलेगा, साइकिल से गिरने से ख़त्म हो जाए तो मिलेगा, ट्रक के एक्सीडेंट से ख़त्म हो जाए तो मिलेगा। हर दुर्घटना में दुर्घटना बीमा देने का काम हम पहले ही 5 साल से कर रहे हैं। अब अखिलेश जी ने कौन सी घोषणा की? समाजवादी पार्टी की साइकिल से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो अलग से की है, या समाजवादी पार्टी के सांडों के माध्यम से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो अलग से करी हो तो अलग बात है, वरना ये प्रश्न तो उनसे करने वाला है जिस योजना को हम पहले से ही क्रियान्वित किए हुए हैं और दुर्घटना बीमा के नाम से हम दे रहे हैं बीमा 5 लाख का, उसमें वो अतिरिक्त कौन सी घोषणा करें मेरी समझ में नहीं आ रहा। कार्यक्रम में तो सुना यहाँ तक की है कि जो ताजमहल का फीता शाहजहाँ ने काटा था उसको भी बनवाने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे थे, तो अब कहाँ का क्या क्या ढूंढ के लाओगे आप या क्या क्या कहेंगे वो, इसका कोई भरोसा नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर उनका कार्यक्रम था, उनका काम था, तो उन्होंने क्यों नहीं पूरा किया अपने काम को रहते हुए? दुर्भाग्य है उन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता को गुमराह किया, सिर्फ जाति धर्म सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति की। आज जब जनता ने उन्होंने उनको नकार दिया तो दूसरों पर आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। शहर के भीतर टब्बा खेड़ा आप सब लोग जानते हैं, वहाँ से यात्रा आएगी, प्रवेश करेगी शहर के अंदर, उसके बाद बड़े चौराहे होते हुए ये छोटे चौराहे होते हुए रामलीला मैदान तक आएगी।